हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल का है। टॉपिक का नाम है प्रॉक्सिमिटी मेजर्स ऑफ बाइनरी एट्रीब्यूट। क्या बोला मैंने? बाइनरी एट्रीब्यूट्स। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सिर्फ दो स्टेट्स के साथ खेलते हैं, दो स्टेट्स के साथ डील करते हैं। एक तो वन या फिर जीरो, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स, या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सिर्फ दो स्टेट्स के साथ डील करते हैं। तो जब भी हमें इनर केस जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिसिमिलैरिटी या फिर सिमिलैरिटी फाइंड करनी होती है और हमें गिवन होते हैं बाइनरी एट्रीब्यूट्स। हमें क्या गिवन होता है? हमें गिवन होता है बाइनरी एट्रीब्यूट्स। उस केस में हम लोगों को प्रॉक्सिमिटी मेजर्स कैलकुलेट करने होते हैं फॉर बाइनरी एट्रीब्यूट्स। सो उसके लिए एक गिवन फॉर्मूला है जो कि हमें समझना पड़ेगा विद दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इजीएस्ट एग्जांपल दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले ये एग्जांपल क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट कॉलम है जिसका नाम है नेम, एंड दीज आर माय थ्री ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई एंड जेड। और जो T1 से T6 तक आप देख सकते हो वो सारे के सारे क्या है? मेरे एट्रीब्यूट्स। सिर्फ एट्रीब्यूट्स नहीं, बाइनरी एट्रीब्यूट्स, बिकॉज सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सिर्फ दो वैल्यूज मतलब 0 और 1 के साथ खेल रही है। यहाँ पे मैंने सिंपलिसिटी के लिए 0 और 1 रखा। आप पॉजिटिव नेगेटिव यू कैन कीप ट्रू और फॉल्स, बट फॉर सिंपलिसिटी इट इज 0 और 1 विच आई हैव केप्ट ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अभी आते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है? जब भी डिसिमिलैरिटी सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये ए बी और सी क्या है? हाँ, ये हमें लगने वाला है। ए बी और सी हमें लगेगा फॉर कंप्यूटिंग द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई। तो पहले बात तो समझते हैं ए बी सी है क्या एक्चुअली। सी पहले ए समझते हैं, फिर उसमें अप्लाई करते हैं, फिर बी एंड फिर सी, एक एक करके समझते हैं। ए का मतलब क्या है? सी, व्हाट डू वी मीन बाय ए? ए का मतलब है अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए एम और एन, दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए एम और एन, तो ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द ऑब्जेक्ट। समझ में नहीं आया ना? यहां पे समझते हैं ए का मतलब क्या है। दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए एक्स एंड वाई, ए क्या बोलता है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी 1 होना चाहिए और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी 1 होना चाहिए, मतलब दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे होगा? हाउ इट इज गोइंग टू बी? तो हमें सिर्फ कैलकुलेट करना उसी रो में। तो एक्स और वाई दोनों कहां पे 1 है? एक तो इस वाले एट्रीब्यूट में 1 है, तो मेरा काउंट हो गया 1। सो ए इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 1। अभी आगे बढ़ते जाना है, 0 0 नहीं, दोनों ट्रू नहीं है, 1 1 हाँ दोनों ट्रू है, तो मेरा काउंट हो गया 2। तो ए की वैल्यू अभी तक मेरी कितनी हुई है? 2 हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 0 0 नहीं है, 1 0 1 नहीं है, 0 0 नहीं है। तो सिर्फ ऐसे दो ही एट्रीब्यूट्स हैं T1 एंड T3 जहां पे मेरे x और y दोनों प्रेजेंट है, दोनों 1 है, तो मेरे a की वैल्यू क्या हो गई? 2। a की वैल्यू क्या हो गई? 2। अभी बढ़ते हैं b की तरफ। b का मीनिंग क्या है? b का मीनिंग मतलब क्या कि जो मेरा पहला वाला एट्रीब्यूट है, मतलब एक एट्रीब्यूट में तो हाँ है और दूसरे एट्रीब्यूट में ना है। एक एट्रीब्यूट में 1 है, दूसरे एट्रीब्यूट में 0 है, मतलब पहला वाला एट्रीब्यूट 1, दूसरा वाला एट्रीब्यूट 0। तो 1 0 का कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं अभी एक्स और वाई के लिए। तो 1 0 का कॉम्बिनेशन नहीं है, 1 0 का कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, b is equal to 0, because 1 0 का कॉम्बिनेशन किसी भी एट्रीब्यूट में नहीं है फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट x एंड y, किसी में भी 1 0 का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए मेरा b का काउंट क्या आया? 0। अभी बढ़ते हैं c की तरफ। c क्या है? c इज उल्टा, c इज जस्ट अपोजिट दैट ऑफ b। ये कहता है कि जो मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो एब्सेंट है लेकिन वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। 0 1 का कॉम्बिनेशन अभी ढूंढना है हमें। क्या है? 0 1 का कॉम्बिनेशन x एंड y, 0 1 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 0 1 मिल गया, 0 1 मिल गया, मेरा C का काउंट 1 हो गया। आगे बढ़ना है, नहीं है, तो मेरा C का काउंट क्या होगा? 1। सो C इज इक्वल टू 1। अभी जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है फॉर द डिसिमिलैरिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट X एंड Y रिप्रेजेंटेड बाय दिस, डिसिमिलैरिटी बिटवीन X एंड Y इज गिवन एज B प्लस C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, b plus c divided by a plus b plus c। तो जो भी हमारे अभी a b c की वैल्यू आई है वो सिर्फ हमें यहाँ पर पुट अप करनी है एंड फाइनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हमारी वैल्यू आई 0.33। सेम तरीके से अभी हमने x y कंसीडर किया, अभी हमें क्या कंसीडर करना है? x z कंसीडर करना है, उसके बाद y z कंसीडर करना है और हमारी ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज आती है आफ्टर द सेम प्रोसीजर, फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, फॉलोइंग द सेम कैलकुलेशन, फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला। हमारी जो डिसिमिलैरिटी वैल्यू इन बिटवीन x एंड z आती है वो है 0.67 और डिसिमिलैरिटी वैल्यू बिटवीन y and z जो आती है वो है 0.75। तो इससे हमें पता क्या चलता है दोस्तों? इससे हमें ये पता चलता है कि remember जो x और y है, जो ऑब्जेक्ट x और y है उनकी dissimilarity वैल्यू सबसे कम आई है, मतलब वो सबसे ज्यादा सिमिलर है
एज कंपेयर्ड विद द अदर पेयर, वो सबसे ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर्ड विद द अदर पेयर, लेकिन ये डी क्यों लिखा हुआ है मैंने? यहाँ पे तो अपना कंप्यूटेशन खत्म हो गया, कंक्लूजन आ गया एक्स और वाई बहुत ज्यादा सिमिलर है एज कंपेयर्ड विद अदर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये डी क्यों लिखा है? डी इसलिए लिखा क्योंकि बाइनरी एट्रीब्यूट्स में भी दो टाइप्स होते हैं, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। तो ये वाला जो मैंने अप्लाई किया, ये वाला जो फॉर्मूला b plus c divided by a plus b plus c, ये किसके लिए अप्लाई करते हैं? ये असिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, और सिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट्स के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है और d ऐड कर दिया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? d, मतलब dissimilarity between m and n given the symmetric binary attributes, the formula is b plus c divided by a plus b plus c plus d। d क्या represent करता है? d represent करता है कि जो attributes हैं, जो कि ना present है ना first object में ना second object में, तो यहाँ पे combination क्या ढूंढना है? 0-0 का combination होता है, so d is represented by a 0-0 combination। किसी भी object में वो attribute present नहीं है, it is reflected by d, जो कि हम लोग कहाँ consider करते हैं? symmetric binary attributes में हम लोग d consider करते हैं, और symmetric binary attributes में हम d consider नहीं करते। सिर्फ इतना ही फर्क है formula का, बाकी binary attributes का implementation हमने example के साथ देखा, ABCD का मतलब क्या होता है ये भी समझा। दोस्तों अगर ये video सच में आपको खास लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपकी आपके काम आया होगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों वो तीन मैजिकल चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हो, वो तीन मैजिकल चीजें दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।